नवरात्र से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। आज के पहले महाउपाय की बात करते हैं। क्या कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है तो आप ऐसे में सिल्वर पहनिए, ट्यूसडे को मीठा प्रसाद बांटिए और साथ साथ मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन भी बांटिए। 43 डेज तक कौओं को और डॉग्स को, जैसे डॉग्स को आपने बिस्किट खिला दिया या हल्का सा ना के बराबर मीठा खिला दिया, डॉग फूड दे दिया, और कौओं को मीठा खिला दीजिए, लगातार करिए, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। मैं आपको आज का दूसरा महाउपाय जो नवरात्र से जुड़ा हुआ है जान लीजिए। क्या आप शकुन से, बैड साइन से बचना चाहते हैं? जब भी मौका मिले मंदिर में नारियल ज़रूर चढ़ाएं, या आपने सिर से 7 बार उसार कर आप किसी भी आइसोलेटेड जगह के पास छोड़ दें ताकि किसी के काम आ जाए। इससे आपके ऊपर अगर कोई भी नेगेटिविटी है या आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नवरात्र का तीसरा महाउपाय बताने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं है? ऐसे में बच्चों के पढ़ने के कमरे में उनके पीछे की दीवार को सफ़ेद पेंट करवाइए और उनकी टेबल को, या तो सफ़ेद टेबल को कवर लगा दीजिए, उसको ढक दीजिए सफ़ेद रंग से, और फिर यहाँ उसमें वाइट चार्ट पेपर रख के ऊपर से शीशा रख दीजिए। अब टी यू पर आपको वाइट कलर कर लेना चाहिए, इससे इनकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। चलिए आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बता देती हूँ। क्या दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं आप? दुश्मनों से मन में कड़वाहट हटाने के लिए या उनकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे के सिंदूर को लेकर मोरपंख पर लेकर उस मोरपंख पर नाम लिखिए उस इंसान का। ये काम ट्यूसडे या सैटरडे रात के समय सनसेट के बाद आपको करना है। इस मोरपंख को घर के मंदिर में जाकर रख दीजिए, शांति आ जाएगी, और आप चाहें तो किसी भी पानी वाली जगह के पास भी छोड़ सकते हैं, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अब नवरात्र का पांचवा और आखिरी महाउपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या घर में ऐसे लगता है आपको कि सांप बिच्छू वगैरह आ जाएंगे, आप फार्म पर या ऐसी जगह पर रहते हैं, तो देखिए अगर आपके घर में छिपकली, कॉकरोच, चूहे, सांप, बिच्छू अचानक से आने लगें तो ये अच्छे संकेत नहीं हैं। घर में जहरीले जीव का आना आपके घर में कई तरह के अपशकुन लेकर आता है, जैसे राहु दोष के कारण भी ये सब कुछ होता है। राहु का दोष दूर करने के लिए मोरपंख पर आपको लेकर 2 मोरपंख नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट की दीवार पर लगा देना है। साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। किसी भी जानवर को तकलीफ़ नहीं पहुंचाइए, ना मारिएगा ना इस तरह से करिएगा। आप उन्हें घर से बाहर कर सकते हैं पर प्लीज़ मारिएगा नहीं। अपनी सुरक्षा कीजिए लेकिन मारने से।